बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टोंट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत डराओ मत डरो मत डराओ मत, बार बार ये कहना कि शिव जी ने कहा बार बार उस तस्वीर को। भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। आप कीजिए ना, आप पॉलिटिकल, आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे खुद उस वक्त, भाई मैं किससे छुपा है कि मैं हूँ शिव भक्त, आप इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहाँ पे लहरा रहे हैं, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए, जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला, भाई आस्था को ठेस पहुँचाता है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, स्पीकर साहब किसके सामने झुक रहे हैं नहीं झुक रहे हैं, ये किस तरीके से राजनीतिक मर्यादा का परिचय है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है, इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज मुझे नहीं पता कि राहुल जी को पता है कि नहीं कि एलओपी की क्या मर्यादाएं होती हैं, बट जिस तरीके से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए गए, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे टीका टिप्पणी की गई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, अलग अलग विषयों पे बिना किसी तथ्यों के इन तमाम बातों को करना, मुझे नहीं लगता कि एक एलओपी की मर्यादा के तहत आता है और लोकतंत्र की मर्यादा के तो कतई ये पूरी तरीके से ये उसके विरोध है। थैंक यू।